जम्मू कश्मीर की नई पहचान डिजिटल जेके, उन्नत जेके, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन में यहां मात्र 60 से बढ़ाकर 650 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। ये कहानी है कम होती कतारों की, बढ़ती रफ्तारों की, हौसलों की उड़ान की, बढ़ते आत्मविश्वास और स्वाभिमान की। डिजिटल जेके की मुहिम को आगे बढ़ाते ई ऑफिस के व्यापक प्रयोग से जम्मू कश्मीर में अब 450 से ज्यादा सरकारी दफ्तरों में सभी फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से निपटाया जा रहा है, जिनका डिस्पोजल रेट है 96%। इसमें समय के साथ साथ सालाना लगभग 400 करोड़ रुपए की बचत भी हो रही है। RAS यानी रैपिड असेसमेंट सिस्टम के तहत सेवाओं के डिजिटल फीडबैक का एकीकरण करने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, जहां 47 लाख से अधिक लोगों को SMS भेजे गए, जिसका अप्रूवल रेट 86% से ज्यादा रहा। आपका मोबाइल हमारा दफ्तर के अंतर्गत अब मोबाइल दोस्त ऐप के जरिए अब हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही सभी सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये मोबाइल गवर्नेंस की दिशा में एक सराहनीय कदम है। ई उन्नत के माध्यम से सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। eunnat.jk.gov.in के माध्यम से इन सभी सेवाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। अभी तक ई उन्नत पर 48 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव की गई हैं। SMS पेमेंट गेटवे और चैटबॉट को ई उन्नत के साथ जोड़ दिया गया है, यानी अब आप दफ्तर आए बिना घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ऑटो अपील जैसी क्रांतिकारी पहल की शुरुआत भी की गई है, जिसमें अपील्स को स्वचालित रूप से अपीलीय अधिकारियों को ऑनलाइन भेज दिया जाता है। खास बात ये भी है कि इसमें सेवा वितरण में देरी के लिए पेनल्टी का भी प्रावधान है। सरकार के इस कदम से सरकारी कामकाज में तेजी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है। अब जब भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हाथों हाथ हमारा काम हो जाता है, समय पर काम हो जाता है, ज्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की जो बात की जाती थी जम्मू कश्मीर में भी उसकी शुरुआत हो चुकी है। डिजिटल जम्मू कश्मीर को कर दिया गया है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इस चीज के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस चीज की पहल जो है वो जम्मू कश्मीर में की है। जन भागीदारी बीन्स आपकी जमीन आपकी निगरानी जैसी योजनाओं से भी पारदर्शिता बढ़ी है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड्स हो रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। हम तो अपने ही घरों में अपना रिकॉर्ड या रिसीव कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड ले सकते हैं अपने मोबाइलों से। हम शुक्रगुजार हैं अपने एलजी सरकार से और अपने मोदी जी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार ने माई स्कीम पोर्टल के दायरे में भारत सरकार की कई जनहित योजनाओं को शामिल किया है। यूनियन टेरिटरी के हर जिले, तहसील और गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर आम जनता को डिजिटल सेवाओं के बारे में बताया गया। DARPG यानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के मूल्यांकन में जम्मू कश्मीर को राज्य पोर्टल और ई सेवाओं के वितरण में केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। CDAT के माध्यम से स्टेट ऑफ द आर्ट टीयर 3 स्टेट डेटा सेंटर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में आ रहे डिजिटल परिवर्तन को मान्यता देते हुए नवंबर 2022 में कटरा में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का भी सफल आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 2000 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल हुए। ये जम्मू कश्मीर में एक नए अध्याय की शुरुआत है।
डिजिटल इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाते हुए जेके आईटी विजन डॉक्यूमेंट, जेके साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क को भी लॉन्च किया गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जेके सारांश नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स की समराइजेशन में मदद करता है, जिससे समय बचता है और काम में आसानी होती है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। डिजिटल जेके, उन्नत जेके।